भाजपा के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने मंधान डैम बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार प्रकट किया। 13 वर्ष पूर्व शिवराज सिंह ने ही इस डैम को बनाए जाने के लिए मंजूरी दी थी। परासिया में पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने मंधान डैम बनाने के लिए नंगे पैर चलकर जुन्नाव देर से परासिया तक यात्रा की थी, क्योंकि पानी की समस्या बेहद गंभीर थी। तब बावरिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से परासिया की जनता के लिए पीने के पानी की मांग के लिए डैम निर्माण का प्रस्ताव रखा था। तब डैम निर्माण का रास्ता साफ हुआ और 32 करोड़ 44 लाख की लागत से ये मंधान डैम बनवाया गया। मंधान डैम को बने 13 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जनता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताया और ऑनलाइन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज से 13 वर्ष पूर्व हमने नंगे पैर कांवड़ यात्रा मंधान डैम पेंचवेली समूह जल प्रदाय योजना को बनाने के लिए प्रारंभ की थी और उसी की वर्षगांठ के लिए आज हम मंधान डैम के स्थल पर पहुँचे हैं। ये पानी का पूरा भराव भरा हुआ है। 500 करोड़ लीटर पानी की स्टॉक करने की क्षमता इस डैम की है और इस डैम से परासिया से लेकर डुंगरिया तक 2 विधानसभाओं में इसका पीने का पानी मिलेगा। अभी इससे पानी इसकी सप्लाई प्रारंभ हो चुकी है। 21 सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज चौहान ने और केंद्रीय कोयला मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी ने इसका लोकार्पण करके गए थे। तब से इस डैम का पानी लगातार लोगों को पीने का मिल रहा है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि 1985 में योजना बनी, लेकिन 2003 तक चाहे दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, उस डैम को नहीं बना पाई। लेकिन 2003 में जनता ने हमको जब विधायक बनाया, इस काम को लेकर हम आगे बढ़े तो कई प्रकार के अड़ंगे केंद्र की कांग्रेस सरकार, चूँकि 2004 से लेकर 2014 तक केंद्रीय कांग्रेस सरकार थी, लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसमें अड़ंगे लगाए गए। लेकिन उन अड़ंगों को, बाधाओं को पार करते हुए हमने सब बाधाओं को पार किया और अंततः जब 2014 में मोदी जी की सरकार इस देश से बनी, जो केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय के माध्यम जो आपत्ति केंद्रीय कांग्रेस सरकार ने लगाई थी 2012 में, जिससे कहा डैम काम रुका था, हमने 2014 में डैम काम पुनः प्रारंभ किया और डैम काम बन के पूरा आज हो गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री माननीय शिवराज चौहान को, पीएचई मंत्री गौरी सिंह बिसेन जी को और हजारों हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने इस काम में हमको सहयोग दिया था, मीडिया के साथियों को का धन्यवाद देते हुए इस डैम के बनने की वर्षगांठ पर आप सभी को याद करते हुए आप सबको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।